टुडे वी विल स्टार्ट लेसन 8 बिरबल फाइंड्स द थीफ। थीफ मीन्स चोर, फाइंड मीन्स खोजना। देयर वॉज अ वेरी क्लेवर मैन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। कोर्ट मीन्स राज्यसभा। अकबर की राज्यसभा में एक बहुत चतुर आदमी था। क्लेवर मीन्स चतुर। हिज नेम वॉज बिरबल। उसका नाम क्या था? बिरबल था। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टोरीज अबाउट बिरबल्स क्लेवरनेस। बिरबल की चतुरता पे बहुत सारी स्टोरीज है, उनमें से एक है ये। हियर इज वन ऑफ देम। उनमें से एक हम आज पढ़ेंगे। वन डे टू घी मर्चेंट्स कैम टू अकबर। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। दो घी के जो व्यापारी थे वो किसके पास आए? अकबर के पास। गोविंद सेट वन ऑफ द मर्चेंट्स सेट सर आई लेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू दिस मर्चेंट 6 months एगो। गोविंद सेट थे वो व्यापारी थे, ठीक है। वो किसके पास आए? अकबर के पास आए। उन्होंने क्या कहा? सर मैंने 6 महीने पहले इस व्यापारी का को बड़ी संख्या में पैसा उधार दिया था। 6 महीने पहले इस व्यापारी को बड़ी संख्या में पैसा उधार दिया था। नाउ आई वॉन्ट माई मनी बैक। अब मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ। बट ही डजेंट रिटर्न इट। पर वो अब नहीं दे रहा है। द सेकेंड मर्चेंट किशन सेट सेट सर आई एम एन ऑनेस्ट मैन। सेकेंड मर्चेंट कौन था? किशन सेट था। वो क्या था? ऑनेस्ट मैन था। वो क्या कह रहा है? मैं ऑनेस्ट मैन हूँ सर, मैं बहुत ईमानदार हूँ। बिलीव मी आई डिडंट बोरो एनी मनी फ्रॉम गोविंद सेट। सर मुझ पर भरोसा करिए, मैंने कोई उधार नहीं लिया है गोविंद सेट से। बोरो मीन्स उधार लेना। हाउ मच डिड यू लैंड हिम। आपने उसे कितना उधार दिया था? अकबर आस्क्ड द फर्स्ट मर्चेंट। अकबर ने फर्स्ट व्यापारी से पूछा। 1000 silver coins सेड गोविंद सेट। 1000 silver मीन्स चांदी के सिक्के, कॉइन मीन्स सिक्के। 1000 चांदी के सिक्के गोविंद सेट ने कहा। बोथ द मर्चेंट्स लुक्ड ऑनेस्ट। दोनों मर्चेंट जो दोनों व्यापारी थे वो ऑनेस्ट लग रहे थे। सो अकबर सेट कम टू मी आफ्टर अ वीक आई विल गिव माई जजमेंट्स। देन द मर्चेंट वेंट अवे। जजमेंट मीन्स निर्णय। अकबर ने क्या कहा कि एक वीक बाद आना, मैं अपना निर्णय तब बताऊँगा। और मर्चेंट चले गए, व्यापारी चले गए। देन अकबर कॉल्ड बिरबल एंड टोल्ड हिम अबाउट गोविंद सेट्स कंप्लेन। अकबर ने किसको बुलाया? बिरबल को बुलाया और गोविंद सेट की जो कंप्लेन थी, शिकायत थी, वो बताई। ही सेड आई कांट फाइंड आउट द ट्रूथ। अकबर ने क्या कहा? मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ सच क्या है। बोथ द मैन लुक ऑनेस्ट। दोनों ही ईमानदार लग रहे हैं। ओके, यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिरबल सेड सर आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ। बिरबल ने क्या कहा? सर मैं सच का पता खोजूंगा। बट गिव मी 2 days, लेकिन मुझे 2 दिन चाहिए। द नेक्स्ट डे बिरबल वेंट टू गोविंद सेट एंड गेव हिम अ टिन ऑफ घी। बिरबल कहाँ गया? गोविंद सेट के पास गया और उसे क्या दिया? टिन। टिन टिन मीन्स कंटेनर, एक घी का कंटेनर दिया। इट हैड 30 kilos ऑफ घी इन इट। उसमें कितना घी था? 30 kilo था। ही सेट गोविंद सेट विल यू प्लीज सेल मी सेल दिस घी फॉर मी। उसने क्या कहा? सेल मीन्स क्या, तुम ये मेरा घी का डब्बा बेच दोगे क्या? घी का कंटेनर बेच दोगे क्या? गोविंद सेट एग्रीड एंड आस्क्ड बिरबल हाउ मच डज द घी वे। वे मीन्स तोलना। ये घी कितना तुला हुआ है, मतलब कितना है इसका वेट, कितना? बिरबल सेड आई डोंट नो आई डिडंट वे इट। मैंने इसे नहीं तोला है। Then Birbal went to Kishan Seth with another tin of ghee and said, "Please, will you sell this ghee for me?" Kishan Seth agreed. He too asked, "How much does the ghee weigh?" Birbal said, "I don't know. I didn't weigh it. This tin too had 30 kilos of ghee in it." ठीक है? Birbal ने क्या किया? गोविंद सेठ को भी 30 kilo का घी दिया, एक टिन, और किशन सेट को भी 30 kilo का एक टिन दिया। लेकिन उन्होंने पूछा कि ये कितना कितना केजी है, वेट कितना है इसका, वे कितना है इसका। तो उसने क्या कहा कि मैंने इसे तोला नहीं है। ओके, इन द इवनिंग गोविंद सेट वेंट टू द बिरबल एंड सेट सर आई फाउंड अ गोल्ड कॉइन एट द बॉटम ऑफ द टिन ऑफ घी, हियर इट इज़। शाम को गोविंद सेट आया और उसने बिरबल से क्या पूछा?
क्या कहा बीरबल से कि सर मुझे जो आपका टिन का घी था उसके बॉटम में एक गोल्डन गोल्ड कॉइन मिला, सोने का सिक्का मिला, ये वो रहा। बीरबल सेड थैंक यू, डिड यू सेल द घी? बीरबल ने कहा थैंक यू, तुमने क्या मेरा घी बेचा? गोविंद सेड सैड यस सर। बीरबल आस्क्ड हिम हाउ मच डिड इट वे? गोविंद सेड ने कहा हाँ। बीरबल ने पूछा हाउ मच डिड इट वे, कितना उसका तोलने पर निकला वो घी? एंड हाउ मच डिड यू सेल इट फॉर, और तुमने कितना में बेचा उसे? गोविंद सेड सैड इट वेटेड 30 किलोज एंड आई सोल्ड इट फॉर 30 रुपीज़, हियर इज़ द मनी। गोविंद सेड ने क्या कहा, ये क्या है 30 किलो का था और मैंने 30 रुपीज़ में इसे बेचा, हियर इज़ द मनी, और ये रहा पैसा। बीरबल टुक द मनी फ्रॉम हिम एंड थैंक्ड हिम। बीरबल ने मनी ली और उसे बहुत थैंक यू कहा। द मर्चेंट देन लेफ्ट, और मर्चेंट व्यापारी चला गया। आफ्टर सम टाइम किशन सेट केम टू बीरबल, ही सेड सर आई सोल्ड योर घी। किशन सेट ने भी क्या कहा कि मैंने आपका घी बेच दिया। बीरबल आस्क्ड हिम हाउ मच डिड इट वे एंड हाउ मच डिड यू गेट फॉर इट, है ना, उसने पूछा कि इसका कितना वजन था और तुमने इसे कितने में बेचा। किशन सेट सैड इट वेटेड 25 किलोज एंड आई गॉट 20 रुपीज फॉर इट। उसने कितना बताया कि 25 किलोज था और मुझे मैंने कितने में बेचा, 20 रुपीज में बेचा। किशन सेट सैड इट, बीरबल टुक द मनी एंड सेंट हिम अवे। बीरबल ने पैसा ले लिया और उसे वापस भेज दिया। ओके, ही देन वेंट टू अकबर एंड सेड, गोविंद सेठ इज एन ऑनेस्ट मैन। वो अकबर के राज्यसभा में गया और उसने क्या कहा कि गोविंद सेठ बहुत ईमानदार आदमी है। ही स्पोक द ट्रूथ, उसने सच बताया। द अदर मैन इज डिसऑनेस्ट, और जो अदर मैन है वो बहुत ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। आई गेव ईच ऑफ देम अ टिन ऑफ घी टू सेल, मैंने दोनों को एक 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 कंटेनर दिया घी का बेचने के लिए। आई पुट अ गोल्ड कॉइन इन ईच टिन, मैंने दोनों टिन में एक गोल्ड कॉइन रखा। बट दे डिड नॉट नो अबाउट इट, बट उनको उसके बारे में नहीं पता था। गोविंद सेट रिटर्न द कॉइन टू मी, गोविंद सेट ने कॉइन रिटर्न कर दिया, सिक्का रिटर्न कर दिया। बट किशन सेट डिडंट एंड ही टोल्ड मी लाइस, बट किशन सेट ने रिटर्न नहीं किया, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। आफ्टर अ वीक द टू मर्चेंट वेंट टू अकबर, अकबर सेट किशन सेट यू आर अ लायर एंड अ थीव, रिटर्न द मनी टू गोविंद सेट एट वंस। एक वीक बाद जब वो अकबर के पास आए तो अकबर ने क्या कहा, किशन सेठ तुम बहुत झूठे हो और चोर हो, तुम गोविंद सेठ की तुरंत पैसा रिटर्न करो, उनको तुरंत पैसा दे दो।